हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, अज का टॉपिक अपना होगा स्ट्रक्चर डिजाइन मैथोलॉजी। आप कल पढ़िया सी प्रिंसीपल वगैरह पढ़ लिया, अप्रोचेस पढ़ लिया, ठीक है, जिमें कपलिंग चॉइजन बारे डिस्कस किया। अज आप करेंगे स्ट्रक्चर डिजाइन मैथोलॉजी की होंगी। मैथोलॉजी मतलब मैथड। कहते स्ट्रक्चर डिजाइन इज बेस्ड ऑन द फंक्शनल डीकंपोजन, मतलब कि जेडे फंक्शन डीकंपोजन के आधार पर करते। डीकंपोजिशन मतलब कि होंगे पार्ट्स के डिवाइड करना। वेयर द डीकंपोजन इज आ कहते सेंटर्ड अराउंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेजर सिस्टम। जी डीकंपोजन आ पार्ट आ, मतलब कि मेजर सिस्टम के मतलब कि नेड़े ही घूमती है, आले दुआले ही घूमती है। देखो जो आप एक सिस्टम के भाग कर लें, पार्ट्स बना लें, बट की आ एक मेजर जो मेन अपना काम होंगे वो आले दुआले ही घूमती है। देयर कहते इलेबोरेशन एंड कहते रिफाइनमेंट इन टॉप डाउन मैनर। तो वह जी इलेबोरेशन होंगी है, जो भी आप वर्किंग कर रहे हैं, इलेबोरेशन मतलब कि वर्किंग होंगी है, जो भी वो रिफाइनमेंट होंगी टॉप डाउन मैथड के होंगे, टॉप तो मतलब नीचे वर्क करती है, ठीक है जी। मतलब कि जो बड़ा सिस्टम आ जो अपने छोटे छोटे पार्ट्स के बनते हैं तो वह की होगी टॉप टू डाउन मतलब कि मैथोलॉजी होगी। इट फॉलो टाइपिकली फ्रॉम द डाटा फ्लो डायग्राम एंड एसोसिएटेड प्रोसैस डिस्क्रिप्शन क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। यी टाइपिकली मतलब दोनों चीज़ें जो एक तो डाटा फ्लो डायग्राम में फॉलो करते हैं, तो बाकी जी डिस्क्रिप्शन होंगी है वो स्ट्रक्चर एनालिसिस की वरतों करते हैं। जो स्ट्रक्चर डिजाइन है यूज़ का कहते फॉलोविंग स्ट्रेटजिक, दो स्ट्रेटजिक यूज करता। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन एनालिसिस, दूजी हैगी ट्रांजैक्शन एनालिसिस। जी ट्रांसफॉर्मेशन एनालिसिस होंगी मतलब ये डाटा ट्रांसफर किया जाता भी उस अकॉर्डिंग वो जांच पड़ताल करते। एक होंगी ट्रांजैक्शन एनालिसिस, ठीक है, इन बारे डिस्कस करते हैं आप। कहते एंड ऑफ व्यू कहते ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक मतलब की होंगे लाइक अ फैन इन फैन आउट, स्पेन ऑफ द इफेक्ट विच स्कोप ऑफ कंट्रोल। मतलब कि फैन इन, फैन इन का मतलब इतने लिया गया ह्यूरिस्टिक का भी मतलब कोई चीज़ आप एड करनी कोई बाहर क्ढनी है, वह अफेक्ट प्रभाव किन्ना क्या, स्कोप की है कंट्रोल का, मतलब आपू कि कंट्रोलिंग करना है। टू कहते ट्रांसफर फॉर्म आ डी एफ डी इन टू सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, मतलब ये यह चीज़ चैक की जाती है जी ट्रांसफॉर्मेशन एनालिसिस होंगी है डी एफ डी आप किमें एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के कन्वर्ट करते, एक चार्ट कन्वर्ट करते डाटा फ्लो डायग्राम। तो कहते इन स्ट्रक्चर डिजाइन वही फंक्शनैलिटी डीकंपोज द प्रोसैस इन द लार्ज सिस्टम। तो जो स्ट्रक्चर डिजाइन होंगे मतलब ये यही फंक्शन परफॉर्म किए जाने, जी प्रोसैस होंगे लार्ज सिस्टम के आप छोटे छोटे पार्ट्स बंद लें, तो जिन्हों आप बोल दें कंपोनेंट। कंपोनेंट में आप कहने मड्यूल एंड ऑर्गेनाइज दीज कंपोनेंट इन अ हायरार्किकल फैशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसीपल से डिपेंड करता। पहले ये आ गए एब्सट्रैक्शन, दूजा इनफॉर्मेशन हाइडिंग, तीजा आ गया अपने को मॉडुलैरिटी। जी एब्सट्रैक्शन होंगी, एब्सट्रैक्शन का की मतलब है, कहते व्यू ऑफ अ प्रॉब्लम दैट एक्सट्रैक्ट एसेंशियल इनफॉर्मेशन रिवीलिंग टू पार्टिकुलर पर्पस एंड इग्नोर द रिमाइंडर ऑफ द इनफॉर्मेशन। बस जस्ट तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी है। एब्सट्रैक्शन मतलब की करता, जिड़ी आप इनफॉर्मेशन जरूरी है उन्होंने ही अपने सिस्टम के ले आता, तो बाकी जरा एक्सट्रा इनफॉर्मेशन की कर देता है, रिमूव कर देता, हाइड कर देता, तो उन्होंने की बोल देने आप एब्सट्रैक्शन के नाम नाल जानते हैं, ठीक है जी। तो ए आई ट्रिपल ई के अकॉर्डिंग यही दसिया वा 1983 के चीज़ कही थी जी एब्सट्रैक्शन है कि एक प्रॉब्लम एक्सट्रैक्ट है द एसेंशियल इनफॉर्मेशन रेफर टू पार्टिकुलर पर्पस, जी पार्टिकुलर पर्पस के नाल रिलेटेड इनफॉर्मेशन उसे ही लगेगा तो बाकी की कर दूगा इनफॉर्मेशन इग्नोर कर दूगा, ठीक है जी। अगे आ गया अपने को नैक्सट आ गया फॉर इनफॉर्मेशन हाइडिंग। जी इनफॉर्मेशन हाइडिंग है, एवरी मड्यूल इज करैक्टराइज बाय इट्स नॉलेज ऑफ डिजाइन डिसीजन विच इट्स हाइड्स फ्रॉम ऑल द अदर। कहते हर एक मड्यूल की कहते अपने जोड़ा उन्हें डिजाइन बनाया होंगे वह डिसीजन होंगे बेटा वो रिलेटेड जिनी भी नॉलेज होंगी है वह दूजे तो की करके रखता है हाइड करके रखता, मतलब सारे के सामने अपनी नॉलेज में पेश नहीं करता। तो इट्स कहते इंटरफेस और द डेफिनेशन वाज चूजन टू रिवील एज लिटल एज पॉसीबल अबाउट इट्स इनर वर्किंग। ये मतलब आप अंदरूनी वर्किंग का नाम ही इनू दे सकते हैं। प्रांज ने कहा 1972 के कहने का मतलब ये है भी जी डिजाइन डिसीजन के रिलेटेड नॉलेज आ वो सिर्फ की होंगी वो अपने को ही रखूगा, एवरी मड्यूल मड्यूल अपने को ही रखूगा तो बाकिया तो की करके रखूगा उन्होंने हाइड करके रखूगा, ठीक है। अगे आ गया अपने को जिमें क्या हो गया जिमें परमज एडवोकेट से जोड़ा परमज एडवोकेट है दैट द डिटेल ऑफ द डिफिकल्ट एंड लाइकली टू चेंज डिसीजन बी हिडन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। वो कहता सी डिटेल है जेडे डिफिकल्ट डिसीजन लेने होंगे सके मतलब दूजे तो छुपा के रखता हूँ सी। फरदर द रेस्ट ऑफ सिस्टम विल हैव टू एक्सेस टू दीज डिजाइन डिसीजन ओनली थ्रू वैल डिफाइंड एंड अनचेंजिंग द इंटरफेस। मतलब ये वैल डिफाइंड डिसीजन ही मतलब डिस्क्राइब किया जाता है। जिमें अगे इन्होंने दसिया होया गया दिस गिवज अ ग्रेटर फ्रीडम टू प्रोग्रामर, ये मतलब कि ग्रेटर फ्रीडम सी मतलब एक आजादी सी कि प्रोग्रामर न, क्योंकि लैज अलोंग द प्रोग्रामर स्टिक टू द कहते इंटरफेस एग्रीड अपोन द कैन वे हैव फ्लैक्सीबिलिटी इन अल्टरिंग द
कंपोनेंट एट एनी पॉइंट, मतलब कि वो फ्लैक्सीबिलिटी से भी आप किसी भी पॉइंट के अल्टरिंग हों चेंज करना भी आप जिथे भी प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे कोई भी चेंजेस वो कंपोनेंट्स कर सकते हैं। तो देयर आर द डिग्री ऑफ इनफॉर्मेशन हाइडिंग, ठीक है, उत्थे डिग्री है हाइडिंग दी इनफॉर्मेशन छुपा के रखना। फॉर एग्जाम्पल कहते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैवल C++ प्रोवाइड आ फॉर पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मैंबर, तीन तरह के मैंबर प्रोवाइड करता सी, पब्लिक सी प्राइवेट सी ते प्रोटेक्टेड सी, एंड अदा हैज़ बोथ प्राइवेट एंड कहते लिमिटेड प्राइवेट टाइप, सारे टाइप। सी लैंग्वेज इनफॉर्मेशन हाइडिंग कैन बी डन बाय डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, जी सी लैंग्वेज इनफॉर्मेशन हाइड की जाती है आप वेरिएबल डिक्लेयर करते होंगे एज अ स्टैटिक या सोर्स फाइल के आधार के उ, ठीक है। अगे आगे अपने को नैक्सट मॉडुलैरिटी की होंगी है, जिहड़ी मॉडुलैरिटी होंगी लीड्स टू कंपोनेंट, कंपोनेंट नू लीड करती है, हैव क्लीयरली डिफाइंड इनपुट एंड आउटपुट, ये मतलब कि इनपुट तो आउटपुट को क्लीयरली डिफाइन किया जाता है, तो ईच कंपोनेंट हैज़ अ क्लीयरली स्टेटड परपज, जिन्हें भी कंपोनेंट ये बनाते हर किसी का की होंगे कोई ना कोई काम होंगे। तो दस इट इज़ ईजी टू एक्समाइंड ईच कंपोनेंट सैपरेटली कहते फ्रॉम अदर टू डिटरमाइन वेयर द कंपोनेंट इंप्लीमेंट इट्स रिक्वायर्ड टास्क, ये मतलब हर एक कंपोनेंट को मतलब कि ईजी सौखे ढंग आप मतलब कि कर लें डिटरमाइन कर लें एक्समाइंड कर लें, ठीक है जी, जिथे भी कंपोनेंट को आप इंप्लीमेंट करना जी अपन टास्क के लिए वो जरूरत है। मॉडुलैरिटी आलसो हैल्प वन टू डिजाइन डिफरेंट कंपोनेंट इन डिफरेंट वे, मतलब कि यह जी मॉडुलैरिटी अपनी कहदे विच सहायता करती है भी डिफरेंट कंपोनेंट को डिफरेंट वे आप कर सकते डिजाइन कर सकते हैं इफ नीडेड, जी अपनी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल द यूजर इंटरफेस मे बी डिजाइंड विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एंड द सिक्योरिटी डिजाइन माइट यूज अ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, बेटा देखो ये एक एग्जाम्पल दी है इन्होंने, जोड़ा यूजर इंटरफेस डिजाइन होंगे वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, तो जोड़ा सिक्योरिटी डिजाइन होंगे वो अपना डायग्राम पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर वाला टॉपिक खत्म हो गया, हम आप करा स्ट्रक्चर चार्ट बारे गल, जोड़ा स्ट्रक्चर चार्ट हों इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते एंड ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी इज अ चार्ट विच शो द ब्रेकडाउन ऑफ सिस्टम टू इट्स द लोएस्ट मैनेजेबल लैवल, बस ये भी उही चीज़ आ चार्ट का मतलब की हों भी मतलब आप बड़े सिस्टम में छोटे छोटे भागों में वंड लें भी लोएस्ट लैवल से मैनेजेबल करते हैं। तो दे आर यूज इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टू अरेज द प्रोग्राम मोड्यूल इन टू अ ट्री, कहते ये अपने जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होंगे उन्होंने आप प्रोग्राम मोड्यूल के करते हैं अरेज करते हैं, वह कहदी फॉर्म बन जाती है ट्री की फॉर्म बन जाती है। तो ईच मोड्यूल इज रीप्रजेंट बाय बॉक्स, हर एक मोड्यूल है जोड़ा बॉक्स के द्वारा रीप्रजेंट किया जाता विच कंटेन द मोड्यूल नेम, जिद मोड्यूल का की होंगे गा नाम। तो द ट्री स्ट्रक्चर विजुअलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द मोड्यूल, मोड्यूल के विचकार दो रिलेशनशिप दिखाता, स्ट्रक्चर चार्ट की डिसेप्ट करता, पहला तो साइज एंड कंपलैक्सिटी ऑफ द सिस्टम, पहला वह साइज चैक करेगा तो फिर वह देखेगा भी सिस्टम अपना कितना का कंपलैक्स आ। नंबर ऑफ द रीडली आइडेंटिफाइएबल फंक्शन एंड मोड्यूल विद इन ईच फंक्शन, ये नंबर ऑफ आप देखिए भी किन्ने फंक्शन है जेडे आपको पता किन्ने आपको फंक्शन हर एक का काम की है मोड्यूल का, वैदर ईच आइडेंटिफाइड फंक्शन इज अ मैनेजेबल एंटिटी और शुड बी ब्रोक डाउन इन टू समालर पार्ट, भी वो मैनेजेबल एंटिटी हैगी है भी की आपू अगे मतलब कि पार्ट्स के डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। अगे स्ट्रक्चर चार्ट इज आलसो यूज टू डायग्राम एसोसिएटेड एलीमेंट हूँ डैट कॉम्प्रोमाइज आर रन स्ट्रीम और थ्रेड, मतलब कि रन सिस्टम को चलाने के लिए आपको की करते यूज, क्योंकि इट इज ऑफ्टन डिवेलप्ड एज अ हायरार्किकल डायग्राम भी बोल देने आप, बट अदर रीप्रजेंटेशन आर अलाउएबल, होर भी रीप्रजेंटेशन आप अलाउ करते हैं। रीप्रजेंटेशन मस्ट डिस्क्राइब द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्फिगरेशन सिस्टम इन टू द सब सिस्टम एंड द लोएस्ट मैनेजेबल लैवल, उ चीज़ा बार बार रिपीट हो रही है रजे भी मतलब छोटे भागों में ही सारी चीज़ों की किया जाता वंडिया जाता, ठीक है जी। जिमें अगे एक एग्जाम्पल आह देखो यदि फिगर बनी हुई हैगी नैक्सट के जिमें अपने को स्ट्रक्चर चार्ट बना रहे हैं आप जिद अपने को अगे इन्होंने पार्ट क्रिएट किए SSI 1 कंपोनेंट फिर CI हो गया SS 2 हो गया अगे SS के पार्ट हो गए फिर SYS के अगे पार्ट हो गए कंपोनेंट अगे दे मतलब कि बहुत सारे अगर पार्ट्स बना के उन्होंने किया होगा सॉल्व किया हो। इन स्ट्रक्चर एनालिसिस स्ट्रक्चर चार्ट आर कहते यूज टू स्पेसीफाई द हाई लैवल डिजाइन और द आर्टीटेक्चर और कंप्यूटर प्रोग्राम, जोड़ा स्ट्रक्चर एनालिसिस स्ट्रक्चर चार्ट हूँ आप मतलब की करता हाई लैवल के डिजाइन ज होर आर्टीटेक्चर जिहड़े कंप्यूटर दे विच आपां प्रोग्राम तैयार करते उन्होंने डिजाइन करने के लिए आपां किहदी वरतों करते स्ट्रक्चर एनालिसिस स्ट्रक्चर की वर चार्ट की वरतों है जी आप करते हैं। कहते एज अ डिजाइन टूल दे विच जे देखिए दे एड द प्रोग्राम इन डिवाइडिंग एंड कॉन्क्योर अ लार्ज सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, लार्ज जी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होंगी उन्होंने डिवाइड कर लेंगे शॉर्ट पार्ट्स के बढ़ लेंगे जिद अपना की प्रॉब्लम छोटे छोटे भागों के बन के आपू की कर लें ह्यूमन जो ब्रेन है ईजली अंडरसटैंड कर लेंदा, तो जी प्रोसैस होंगी टॉप डाउन डिजाइन या फंक्शनल डीकंपोजन के नाम जाते हैं, ठीक है जी। अगे बेटा एक होर एग्जाम्पल दिती हुई है इन्होंने स्ट्रक्चर चार्ट की, इज अ हायरार्किकल कहते चार्ट दैट अलाउ द डाटा एंड कंट्रोल इनफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन द मोड्यूल, ये कंट्रोल इनफॉर्मेशन फ्लो आ मोड्यूल दे बिटवीन होंगी है
फिग जिमें शो करते हैं पार्टी से पार्शियल कहते स्ट्रक्चर चार्ट दिखाती है। ईच मड्यूल इज रीप्रेजेंटेड बाय रैक्टेंगल, हर एक मड्यूल है जरा रैक्टेंगल के अकॉर्डिंग रीप्रेजेंट किया गया। ईच डाटा फ्लो इज शोन एज एरो, फ्लो आ जरा एरो शो करता। देखो फिगर देखो देखो जरा रैक्टेंगल बॉक्स बने हुए बेटा, ये की अपने को आप मतलब की करते हैं डाटे की एलीमेंट एड करते हैं भी डाटा अपना की है कपल्स की बने हुए। अगे एरो जो यूज किए जा रहे वो अगे कह रहे डाटे का फ्लो मतलब अगे कि कनैक्ट है। जिम हम देखो बेटा प्रोसैस ट्रांजैक्शन की गल की है तो गैट किया डाटा, ठीक है डाटा जोड़ा गैट किया गया गैट ट्रांजैक्शन गैट मास्टर रिकॉर्ड तो लै रहे हैं आप, ठीक है जी प्रोसैस आ सेल की भी हैगी है कस्टमर को रिटर्न भी करनी है शिपमेंट अराइवल भी करनी है। तो रैक्टेंगल के आप उन्होंने नाम दे रहे हैं, जो एरो यूज किए जा रहे हैं वो कि अपने डाटे का फ्लो दिखा रहे हैं भी अगर आप प्रोसैस के यूज करना, ठीक है इस तरह ही एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया हो। अगे इन्होंने कहा स्ट्रक्चर चार्ट है जो डज नॉट शो द प्रोग्राम सीकुएंस सिलेक्शन और रिपीटिव लॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब कि ये सीकुएंस नहीं आप ले सकते सीकुएंस वाइज काम नहीं कर सकते सिलेक्शन नहीं कर सकते तो ये एक की है कि रिपीटिव लॉजिकल स्ट्रक्चर भी नहीं हो सकता। तो दोज डिटेल आर इनसाइड द मड्यूल, सारी डिटेल मतलब मड्यूल के अंदर ही होंगी विच आर व्यूड एज अ ब्लैक बॉक्स, तो करके उन्होंने ब्लैक बॉक्स के नाम नाल शो किया गया। ब्लैक बॉक्स दिखाया गया ना अपने को उपर फिगर के वाला जो अपने को आ गया आह बनया हुआ इनू आप बोलते हैं ब्लैक बॉक्स, ठीक है ये आप सारी इनफॉर्मेशन ही स्टोर करके रखता आपके, ठीक है जी। अगला जो टॉपिक है तो आजगा वेरीफिकेशन का, जो वेरीफिकेशन होंगी है तो नैक्सट टॉपिक आ गया अपना वेरीफिकेशन। ए डिजाइन प्रोसैस ट्रांसफॉर्म आ सैट ऑफ स्पेसीफिकेशन इन टू आ इंप्लीमेंट ऑफ द स्पेसीफिकेशन, जी डिजाइन प्रोसैस आ जो आप ट्रांसफर करते हैं सैट ऑफ स्पेसीफिकेशन इन टू इंप्लीमेंटेशन फॉर्म के स्पेसीफिकेशन कहदे चेंज किया जाता इंप्लीमेंटेशन के चेंज किया जाता गा, ठीक है जी। तो उन्होंने की बोल दें आप वेरीफिकेशन बोल दें, ठीक है। एट द स्पेसीफिकेशन लैवल जी देखिए तो स्टेट द फंक्शनैलिटी दैट द कहते डिजाइन एग्जीक्यूटेड बट नॉट इंडीकेट हाउ इट एग्जीक्यूट, मतलब जी आप स्पेसीफिकेशन लैवल से चैक करिए जी स्पेसीफिकेशन स्टेट आप फंक्शनैलिटी का पता लग जाती है वह डिजाइन का पता लग जाता पर आप नहीं इंडीकेट हों भी यह किमें चली किमें एग्जीक्यूट हुई है। तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्पेसीफिकेशन स्पैल आउट द डिटेल ऑफ हाउ द फंक्शनैलिटी इज प्रोवाइडेड, तो इंप्लीमेंटेशन के स्पेसीफाई करवाया जाता भी आप किसी भी फंक्शन की डिटेल है किमें प्रोवाइड करवा सकते, ठीक है। वेरीफिकेशन का मतलब ही यही है भी जी स्पेसीफिकेशन आ जो आप इंप्लीमेंटेशन के चेंज करते हैं तो उन्होंने की बोल दें आप वेरीफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। ये अपने ये पता लग जाता स्पेसीफिकेशन आप फंक्शन की स्पेसीफिकेशन का पता लग जाती है पर यह नहीं पता होता भी वो फंक्शन किमें चलिया एग्जीक्यूट किमें होया, तो इस एग्जीक्यूट करवाने लिए आप फंक्शन की डिटेल प्रोवाइड करवाने लिए आप इंप्लीमेंट स्पेसीफाई करवाने एरर वगैरह जोड़े चैक करते हैं। तो बोथ आ स्पेसीफिकेशन एंड इंप्लीमेंटेशन आर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शनैलिटी बट दे हैव डिफरेंस लैवल ऑफ कंसर्न करैक्टनैस और एबस्ट्रैक्शन, मतलब कि ये दोनों ही आप मतलब इंप्लीमेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन दें फंक्शनैलिटी की पर कि दोनों की जोड़े लैवल ऑफ करैक्टनैस से एबस्ट्रैक्शन के होंगे, ठीक है जी। नैक्सट अगे अगे अपने को अगला टॉपिक तो सॉफ्टवेयर इंस्पैक्शन आ वेरीफिकेशन का थोड़ा जा अगे सॉफ्टवेयर इंस्पैक्शन की होंगी है जी सॉफ्टवेयर इंस्पैक्शन आर वेरी यूजफुल एज दीज कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ द डिफेक्ट इन द डिटेल्ड डिजाइन बिफोर कोडिंग एंड कोड इन बिफोर टैक्सिंग, जी सॉफ्टवेयर इंस्पैक्शन होंगी वो जांच पड़ताल करते हैं वेरी यूजफुल होंगी है एज दीज कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट, मतलब कि डिफेक्ट को लभन के इन द डिटेल डिजाइन बिफोर कोडिंग कोडिंग तो पहला कहते इन द कोड बिफोर टैसटिंग, जे आप कोड टैसटिंग करने तो पहला कोड चैक करते हैं तो दे मे आलसो भी यूज इन टू वेरीफाई टैसट डिजाइन टैसट केस एंड टैसट प्रोसीजर, ये मतलब आप डिजाइन को टैसट करने के लिए टैसट केस न टैसट प्रोसीजर डिजाइन करने के लिए आप यूज करते उन्होंने वेरीफाई करते हैं। मोर जनरली कहते हैं इंस्पैक्शन कैन भी यूज फॉर वेरीफाइंग द प्रोडक्ट ऑफ एनी डिवेलपमेंट प्रोसैस दैट इज डिफाइंड इन फॉर्म, एक तो ऑपरेशन वे चैक किए जाते भी कोड का की मोड्यूल आ, ठीक है। दूजा एग्जिट क्राइटेरिया चैक करते हैं भी सक्सैसफुली कंपाइल कर सकते हैं ज नहीं, तो सॉफ्टवेयर इंस्पैक्शन आर की होंगे ने एफिशेंट होंगे ने, ठीक है जी। बस ये नैक्सट आप करेंगे सॉफ्ट जोड़े प्रोग्राम वेरीफिकेशन के टैक्नीक्स आ गए बस ये इन्हें ही करना, जिहड़ी सॉफ्टवेयर अपने को प्रोग्राम सॉफ्टवेयर दी वेरीफिकेशन टैक्नीक्स आ गई जिहड़ी प्रोग्राम वेरीफिकेशन टैक्नीक्स आ मे बी यूज इन द डिटेल डिजाइन एंड प्रोडक्ट प्रोडक्शन फेस, मतलब दोनों ही डिजाइन की जिदे आप स्पेसीफिकेशन शो करते हैं ये टैक्नीक्स कि पहली
सीमेंटिंग ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर फॉर्मली डिफाइंड, पहला सीमेंटिंग है जिहड़े प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे ओह डिफाइन किए जाते हैं। दूजा प्रोग्राम बी कहते फॉर्मली कहते स्पेसीफाइड इन द नोटेशन दैट इज कंसिस्टेंस विद द मैथमैटिकल वेरीफिकेशन टैक्निक, जिहड़े मैथमैटिकल दे नाल की हुंदा गा कंसिस्ट हुंदा गा सिमिलर हुंदा। इफ दीज कंडीशन आर नॉट मेट, जेकर ये कंडीशन नहीं मिलती तो फॉर्मल प्रोग्राम वेरीफिकेशन कैन नॉट बी अटैम्प्ट, तो वेरीफिकेशन आप अटैम्प्ट है जिहड़ा नहीं कर सकते। पहला क्या कॉमन अप्रोच टू फॉर्मल प्रोग्राम वेरीफिकेशन टू डेरिव, की चीज़ आ जाती है अपने को बाय स्टैप रिफाइनमेंट होंगी है, ठीक है जी। ये की है जी कॉमन अप्रोच होंगी फॉर्मल प्रोग्राम वेरीफिकेशन के लिए, जो भी आप लैना डेरिव हों टेक करना लैना बाय स्टैप बाय स्टैप आप फॉर्मल स्पेसीफिकेशन लें जिन्होंने आप प्री कंडीशन या पोस्ट कंडीशन के नाम नाल जानते हैं। हर एक स्टेज के प्री कंडीशन भी होंगे तो कुछ अपन पोस्ट कंडीशन भी जीडिया आ जाए। अगे देखो राजे दो पॉइंट दिते हुए नीचे जी प्रोग्राम कोड की है लॉजिकली कंसिस्टेंस विद प्रोग्राम स्पेसीफिकेशन, प्रोग्राम की स्पेसीफिकेशन के नाल ही रिलेटड होंगी है, ठीक है जी। प्रोग्राम विल आलवेज टर्मीनेट, तो प्रोग्राम हमेशा अपना की होंगे गा बंद होंगे। अगला अगर अपने को कुछ कि वेरीफिकेशन के जो आप अचीव करते हैं अपने को क्लीनर रूम मैथड कहड़ा गा, स्ट्रक्चर टैसटिंग की होंगी है ये बारे डिस्कस करना। जोड़ा क्लीनर रूम मैथड है रिप्लेस यूनिट टैसटिंग, यूनिट टैसटिंग करते होंगे से ना, मतलब एक यूनिट को टैसट करने लिए यूज़ किया जाता है, जो इंटीग्रेशन टैसटिंग विद सॉफ्टवेयर इंस्पैक्शन एंड प्रोग्राम वेरीफिकेशन टैक्नीक के नाल, तो सिस्टम टैसटिंग इज़ कैरीड आउट बाय एन इंडिपेंडेंट टैसटिंग टीम, तो यह जी मतलब कि सिस्टम जी टैसटिंग है यह मतलब की है इंडिपेंडेंट टैसटिंग टीम पर ही डिपेंड करती है। स्ट्रक्चर टैसटिंग की होंगी है, स्ट्रक्चर टैसटिंग इज मैथड फॉर वेरीफाइंग द सॉफ्टवेयर बेस्ड अपॉन द मैथमैटिकल, जेडे मैथमैटिकल प्रॉपर्टी को चैक करने के लिए जी टैसटिंग की जाती है की बोलते हैं आप स्ट्रक्चर टैसटिंग के नाम नाल जानते हैं, ठीक है जी। ये आप करते हैं जो मैथड इंप्रूव द टैसटेबिलिटी बाई लिमिटिंग कंपलैक्सिटी ड्यूरिंग डिटेल्ड डिजाइन एंड गाइड्स द डेफिनेशन ऑफ टैसट केस ड्यूरिंग द यूनिट टैसटिंग, मतलब ये जस्ट इन्नी चीज़ आप सॉफ्टवेयर की वेरीफिकेशन करने के लिए मैथमैटिकल प्रॉपर्टीज़ की जी वेरीफिकेशन करते हैं तो उन्होंने की बोल दें आप स्ट्रक्चर टैसटिंग के नाम नाल जानते हैं। अगे है टैसटेबिलिटी, टैसटेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर शुड बी एवेल्यूएटेड ड्यूरिंग द डिटेल्ड डिजाइन फेस बाय मीजरिंग इट्स कंपलैक्सिटी, मतलब यदि कंपलैक्सिटी द्वारा ही मीजर करके आप मतलब कि किसी भी सॉफ्टवेयर की जी टैसटिंग कर सकते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट ऑफ एंटिटी डिटरमाइन इट्स कंपलैक्सिटी, द रिलेशनशिप इन्हों की मतलब जी पार्ट्स की रिलेशनशिप होंगी एक दूजे के कंपलैक्सिटी आप आधार से ही माप सकते, ठीक है। तो ये अपने को जो सॉफ्टवेयर के पार्ट्स के मड्यूल होंगे है ये मड्यूल से स्टेटमेंट्स होंगे ने जिड़े एक दूजे के नाल सीकेंस वाइज की होंगे ने, सीकेंस सिलैक्शन एट्रेशन के द्वारा एक दूजे के नाल कनैक्टड होंगे, ठीक है जी। अगे अपने को वैलीडेशन के वेरीफिकेशन डिफरेंस दसिया इन्होंने, जी वैलीडेशन होंगी है ये कि आई एम बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, कहती है कि मैं सही प्रोडक्ट बिल्ड किया, तो वेरीफिकेशन भी कहती है आई एम बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, यह कहती है मैं प्रोडक्ट सही बनाया, ये दोनों चीज़ों से फर्क है थोड़ा जहा। कहते डिटरमाइन इफ द कहते सिस्टम कंपाइल्स विद रिक्वायरमेंट एंड परफॉर्म द फंक्शन फॉर विच इट इज़ इंटेंड एंड मीट द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड यूजर नीड्स, ये की है बेटा सिस्टम कंपाइल्स किया जाता, सिस्टम में मतलब चैक किया जाता भी जी रिक्वायरमेंट ने जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है टू मीट द ऑर्गेनाइजेशन गोल भी जेडे अपन गोल चाहिए यूजर के नीड्स के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं। इट इज़ ट्रैडिशनल एंड परफॉर्मड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, यह ट्रैडिशनल होंगी है तो प्रोजेक्ट के एंड वापरती है, ठीक है। वेरीफिकेशन की है रिव्यू इंटरन वर्क स्टैप एंड इंटरन डिलीवर ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट इंश्योर दैट एयर एक्सैप्टेड, ये चैक किया जाता भी कोई सिस्टम प्रॉब्लम तो नहीं हैगी भी वह प्रोजेक्ट है जोड़ा एक्सैप्टेबल हैगा या नहीं है, ठीक है। टू डिटरमाइन इफ द सिस्टम इज कंसिस्टेंस, ये सही है तो एडहेयर टू स्टैंडर्ड यूज रियलेबल टेक्निक एंड प्रोडक्ट प्रैक्टिस एंड परफॉर्म द सिलेक्टेड फंक्शन इन द करेक्ट मैनर, तो सही फंक्शन जो करेक्ट मैनर के परफॉर्म हो जाएगी। एम आई एक्सैसिंग द राइट डाटा, मैं सही डाटे की एक्सैसमेंट की है ये चैक कर दी है, एम आई एक्सैस द डाटा राइट इन द राइट प्लेस इन द राइट वे, ये देखो जो मतलब कि वैलीडेशन के गल करती है भी डाटा जोड़ा सैटिसफाई करता मतलब सही रिक्वायरमेंट दे रहा है, ये चिकी जाता भी आप राइट प्लेस से काम किया या नहीं किया, यदि जी लैवल हों हाई लैवल हों की होंगी है लो लैवल होंगी है। परफॉर्म्ड आफ्टर वर्क प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट प्रोड्यूस अगेन इस एस्टैबलिश क्राइटेरिया इंश्योर दैट द प्रोडक्ट इंटीग्रेट करैक्टली इन टू द इनवायरमेंट, ये वर्क की परफॉर्मेंस चैक की जाती है भी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस किदा की सी, तो जी अपने को वेरीफिकेशन ये आ जाती है परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द डिवेलपमेंट ऑन की
आर्टिफैक्ट लाइक द वॉक थ्रू रिव्यूज एंड इंस्पैक्शन मैंटर फीडबैक ट्रेनिंग चैकलिस्ट एंड स्टैंडर्ड ये फीडबैक ट्रेनिंग चैकलिस्ट एंड स्टैंडर्ड वो सारी चीज़ों वेरीफाई किया जाता है। ये डिटरमाइन द करैक्टनेस ऑफ द फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बाय द डिवेलपमेंट प्रोडक्ट विद रिस्पैक्ट टू यूजर नीड एंड रिक्वायरमेंट ये करैक्टनेस है जी फाइनल प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की वो डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट विद रिस्पैक्ट टू मतलब यूजर के नीड के अकॉर्डिंग होंगी है। ये जी कंसिस्टेंसी कंप्लीटनेस मारे सिस्टम का चैक किया जाता भी ये सिमिलर है सही है कंप्लीटनेस हैगी करैक्टनेस हैगी अपने सिस्टम की ठीक है हर एक स्टेज पर काम है जो सही तरीके हो रहा ठीक है। ये चीज़ें ये दोनों से चेक करते हैं तो जो मैट्रिक्स वाला टॉपिक वो कल वाले लैक्चर कर लेंगे।